राम चरित मानस में जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है वो बड़ा ही सुंदर शब्दों में जी तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही तिन्हू कहूँ जग दुर्लभ कुछ मनाही तनु तीज तात जाहू मम धामा देहू काह तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात यानी हे जटायु हे तात शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए मैं आपको क्या दूं आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भावभीना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में जटायु के अंतिम वक्त में और आज उसी राम जन्मभूमि पर उसी राम के महल में उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए किस तरह का आत्म उत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों तक सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये पक्षी राज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। जी निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं रामलला का विग्रह देख रहे हैं ये अब जीवंत हो उठी है इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है ऐतिहासिक रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम की प्रतिमा है इसको आप देखेंगे तो उसपे बाल तत्व भी है देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है। जी बेहद सौम्य मुद्रा बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है। जी निश्चित तौर पर और ये सबके मन को मोहने वाली है मन को हरने वाली है और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं सदियों की अभूतपूर्व त्याग बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे राम आ गए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के स्वर की चेतना भी लौटी है प्रधानमंत्री के शब्दों में और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से इस प्रांगण से और भगवान राम के सामने वो सौगंध ली गई है विकसित भारत बनाने की ये इस बात की सौगंध ली गई है कि अब पुष्प वर्षा कर रहे हैं यही बात प्रधानमंत्री भारतवासियों से ये अलग भाव करती बताता है, भाव बताता है जो नीम के पत्थर हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जिस तरह से मेहनत की है और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है यही असली नींव के पत्थर है और ये श्रम देवता है। दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यू दिखाए श्रम वीरों के और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो गाँव में इनके पैर लोग छूते थे तो ये अपने आप में जो है सिर्फ श्रमिक नहीं है श्रम वीर है ये असली राम भक्त है राम मंदिर खड़ा हुआ प्रखर इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है और सच में ये एक पक्षी राज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। जी निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं रामलला का विग्रह देख रहे हैं ये अब जीवंत हो उठी है इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है ऐतिहासिक रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम की प्रतिमा है इसको आप देखेंगे तो उसपे बाल तत्व भी है देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है। जी बेहद सौम्य मुद्रा बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है। जी निश्चित तौर पर और ये सबके मन को मोहने वाली है मन को हरने वाली है और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं सदियों की अभूतपूर्व त्याग बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे राम आ गए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के स्वर की चेतना भी लौटी है प्रधानमंत्री के शब्दों में और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से इस प्रांगण से और भगवान राम के सामने वो सौगंध ली गई है विकसित भारत बनाने की ये इस बात की सौगंध ली गई है कि अब जिसको कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने एक नए
एक नया रूप दिया है। अगर हम ये कहें त्रेता युग में जैसे वानर सेना थी, जी त्रेता युग में जो कार्य वानर सेना ने किया, ठीक उसी तरह रामचरितमानस पर जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है, वो बड़ा ही सुंदर शब्दों में जी तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही, तिन्हू कहूं जग दुर्लभ कुछ मनाही, तनु तीज तात जाहू मम धामा, देऊं काह तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव बिना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए इस तरह का आत्मोत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों तक, सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये जी इसका एक बहुत अलग महत्व ये भी है कि ये ऐसा माना जाता है, कुबेर की लाइव भी दिखाया था और ये तस्वीरें कबीर का टीला की है, जिस तरह से आपने बताया कि ये एक तकरीबन 100 फीट ऊंची जगह है और श्री राम का अयोध्या धाम में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जो आपने कहा रामलला को रहना पड़ता था वहां पर, सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे और उन्होंने ये भी नहीं बोलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था और वहां पर रामलला रहे थे। और आज वो रामलला जो है महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला को, और रामलला को का स्थान यही था, यही रामलला को विराजित होना था और आज रामलला 500 साल की तपस्या के बाद यहाँ पुनः विराजित हो गए। और ये कुबेर टीले पर प्रधानमंत्री